हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी ये यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम ये वीडियो में देखने वाले हैं फाइनल कीवर्ड इन अ जावा। तो फाइनल कीवर्ड का यूज़ सबसे पहले देख लेते हैं। फाइनल वेरिएबल में भी यूज़ होता है, फाइनल मेथड और फाइनल क्लास में हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फाइनल वेरिएबल। फाइनल वेरिएबल में एक बार हमने वैल्यू असाइन कर दी, वो वैल्यू फिक्स हो जाएगी, फिर हम वो वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप अपना एक्लिप्स ओपन कर लीजिए, उसके अंदर प्रोजेक्ट बना के पैकेज ले लीजिए और एक क्लास ले लीजिए जावा फाइल। यहाँ पे मैंने फाइनल डेमो करके जावा फाइल ले ली है। सपोज यहाँ पे मैं इंटीजर ए इज इक्वल टू 10 असाइन कर देता हूँ, फिर नीचे ए इज इक्वल टू 20 में फिर से असाइन करता हूँ तो 20 वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी। जबकि मैं फाइनल वेरिएबल इनिशियलाइज कर देता हूँ, यहाँ पे फाइनल इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, तो ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी पूरे प्रोग्राम में, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ए इज इक्वल टू 20 लाइन में एरर आएगा। तो फाइनल वेरिएबल में वैल्यू फिक्स हो जाएगी वेरिएबल के अंदर, पूरे प्रोग्राम में हम चेंज नहीं कर सकते। फाइनल कीवर्ड का नेक्स्ट पर्पस देखते हैं फाइनल मेथड। फाइनल मेथड में क्या होगा, कोई मेथड है उसको हमने फाइनल कीवर्ड से डिफाइन किए, डिक्लेयर किया है, वो मेथड को ओवरराइड नहीं करने देगा। ओवरराइड का कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया है, तो आइए देखते हैं। चलो फाइनल मेथड, मैं दो क्लास ले लेता हूं, एक क्लास ए, क्लास ए को हम पेरेंट क्लास बनाएंगे, दूसरा क्लास लिया है क्लास बी, क्लास बी को हम चाइल्ड क्लास बनाएंगे, एक्सटेंड कीवर्ड, फिर पेरेंट क्लास नेम। तो क्लास ए पेरेंट हो गया, क्लास बी चाइल्ड क्लास हो गया। दोनों क्लास के अंदर हम सेम मेथड बनाएंगे, पेरेंट क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाई है, इसका नाम है मेथड वन। अभी हमने फाइनल मेथड नहीं बनाया है, सेम यही मेथड हम क्लास बी के अंदर बनाएंगे। और लो, क्लास बी के अंदर हमने मेथड बना दी, क्लास बी का ऑब्जेक्ट बी वन बनाया हमने, और बी वन ऑब्जेक्ट से हम मेथड कॉल करेंगे, तो ये मेथड ओवरराइड हो जाएगी और आउटपुट प्रिंट करेगा, क्लास बी में जो मेथड है वो कॉल करेगा। अगर ये मेथड हम फाइनल मेथड बना देते हैं तो ये मेथड ओवरराइड नहीं होगी, मीन्स सेम टाइप की मेथड हम चाइल्ड क्लास के अंदर नहीं बना सकते, तो यहाँ पे एरर दर्शाएगा, कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम क्लास ए, मीन्स फाइनल मेथड जो भी है वो ओवरराइड नहीं होगी। अब देखते हैं फाइनल क्लास। फाइनल क्लास में क्या होगा कि जो भी क्लास को हम फाइनल बना देंगे वो चाइल्ड क्लास को क्रिएट नहीं करेगा, चाइल्ड क्लास को जनरेट नहीं करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल में क्लास ए लिया है हमने और क्लास बी लिया है। क्लास ए अभी फाइनल क्लास नहीं है, मीन्स क्लास ए चाइल्ड क्लास क्रिएट कर सकता है। तो एक क्लास बी बनाया और यहाँ पे लिखा एक्सटेंड क्लास ए, तो क्लास ए ने चाइल्ड क्लास क्रिएट किया, चाइल्ड क्लास जनरेट किया, चाइल्ड क्लास को इनहेरिट किया। जबकि मैं क्लास ए को फाइनल बना देता हूँ, फाइनल पब्लिक क्लास क्लास ए, तो क्लास ए हमारा फाइनल क्लास हो गया, तो ये क्लास अब चाइल्ड क्लास जनरेट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे एरर दर्शाएगा, क्लास ए लास्ट क्लास है, इसके बाद चाइल्ड क्लास क्रिएट नहीं होगा अगर हमने फाइनल क्लास बनाया है तो। तो क्लास ए में से क्लास
क्लास बी इनहेरिट नहीं होगा।